नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक, और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपनी योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन कार्य प्रणाली द्वारा कई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे। राजनीतिक संबंध में मजबूत होंगे तथा लाभदायक भी रहने वाले हैं। संतान के करियर संबंधी किसी भी समस्या का हल मिलने से बहुत ही अधिक सुकून और राहत मिलने वाले हैं। और कभी कभी आप अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी महसूस कर सकते हैं। धैर्य बना के रखें, वर्तमान परिस्थितियों को नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हावी ना होने दें। व्यापार में पब्लिक रिलेशन तथा संपर्क सूत्रों को अधिक मजबूत करेंगे। इस समय मीडिया एडवांचरमेंट को संबंधित कार्य में भी ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि समय अनुसार कार्य प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन लाना होगा। घर का माहौल सुखद रहने वाले हैं। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। अपने अंदर ऊर्जा और आत्मबल में भी कुछ कमी महसूस करेंगे। कुछ समय से ध्यान और मेडिटेशन पर भी जरूर व्यतीत करने के आपको जरूरी होंगे। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं बादामी, और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 4। आपके अंदर में सकारात्मक को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करें। आपके द्वारा हो रही गलतियों के लिए कारण भी आपके सामने चुनौतियां भी बढ़ सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय दोबारा से सोच कर ही आगे बढ़ना होगा। लोगों के साथ में फिलहाल अपेक्षाएं ना रखें। आईटी क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद भी दिन रहने वाले। अपने चिड़चिड़ेपन स्वभाव के कारण पार्टनर्स को तकलीफ भी हो सकती है। माइग्रेन की समस्या जटिल भी हो सकते हैं। और आज के दिन धन लाभ प्रयासों में सफलता भी मिल सकते हैं। कार्यों में अनुकूलता भी देखकर मन में प्रसन्नता भी रह सकते हैं। आयु अनावश्यक चिंताएं से बचने की आपको जरूरत होंगे। शनि देव को तिल के तेल का दीपक करें। कार्य संबंधी अनुबंध भी पूरे कर सकते हैं। निकट परिजनों के लिए भी अच्छा सहयोग भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में पाया मजबूत भी रह सकते हैं। हनुमान जी को 2 लौंग वाला पान चढ़ाएं। विवाद के मामलों में सुखद स्थिति भी रह सकते हैं। अपने आप में किए गए वादे पूरे करने के लिए भी जी जान से लगे रहें। पेट संबंधी कुछ समस्या भी रह सकते हैं। बछड़े को गुड़ के रोटी देंगे तो पेट की समस्या भी दूर हो जाएंगे। आपकी कार्य से संबंधित प्राथमिकताएं तय कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। अपने समय के सही उपयोग करें। कमर दर्द भी कुछ दुखी कर सकते हैं। गणेश भगवान को मलिपाना शाहित वरक भेंट चढ़ाएं। और आज विशेष कार्य में सफलता का योग है। धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी भी कर सकते हैं। धीरज के साथ में हर काम करने की आपको जरूरत होगी। और आज गौशाला में धनराशि भेंट करें। सस्ता कार्य संबंधी मामले में अनुकूलता भी रह सकते हैं। मित्रों के साथ में नया काम रूप शुरू कर सकते हैं। खास लोगों से भेंट सुख दे सकते हैं। भैरव बाबा को मोटी बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और किसी भी सक्षम आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। कार्य सुगमता से बन सकेंगे। शुभ कार्यों के लिए खर्च भी कर सकते हैं। कमर में कुछ सिंचा भी रह सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उसका जल आंखों पे लगाएं। और आज ऑफिस के साथियों के साथ में अच्छा सहयोग भी मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारियों में भी कुछ कमी आ सकती है। शीघ्र कुंजी महाशर्तों का पाठ करें। व्यापार लाभ दे सकते हैं। मित्रों के साथ में सहयोग भी काम बनवा सकते हैं। अपने अनुभव दूसरों के लिए अवश्य बांटे। सरस्वती देवी को कालवा का माला पहनाएं। और आज के दिन बहुत ही व्यस्तम दिनचर्या रहने वाले हैं। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्य को भी संपन्न करेंगे, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से निर्णय ले पाएंगे। उधार दिए हुए पैसे की वसूली के लिए भी समय अनुकूल रहने वाले हैं। पुराने नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इससे संबंध भी खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाले हैं। साथ ही सफलता जल्दी पाने के चक्कर में आप किसी भी अनुचित कार्य में हाथ ना डालें। व्यापार संबंधी गतिविधियों में गंभीरता से विचार करने के लिए जरूरत होंगे। अपने जनसंपर्क और दायरा भी अधिक विस्तृत करेंगे। नौकरी में क्वालिटी के प्रति मधुर व्यवहार के संयम रखना भी अति आवश्यकता होंगे। जीवन साथी तथा परिवार जनों के लिए आपको भावनात्मक सहयोग मिलेंगे और आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों का भी ध्यान दे पाएंगे। विपरीत लिंगी मित्र के से दूरी बना के रखें। स्वास्थ्य ठीक रहने वाले वाले हैं। कार्य
कभी कभी आप अपने आत्मविश्वास को मनोबल में भी कमी महसूस कर सकते हैं, और आज के दिन अधिक मेहनत करने की जज्बा आपके अंदर बना रहेंगे। कला से जुड़े लोगों के लिए योग्य मार्ग प्राप्त करने के लिए और परिणाम प्राप्त करने के लिए और थोड़ा वक्त लग सकते हैं। आपके आसपास में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी जरूर ले लें। काम से संबंधित और नकारात्मक टिप्पणियों के नजरअंदाज करना संभव हो सकते हैं, और काम की क्वालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होंगी। पार्टनर्स के साथ में संबंध गहरे बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। छोटी मोटी चोट के कारण कुछ तकलीफ भी आपको सता सकती हैं, और आज के दिन समय कुछ अनुकूल रहने वाले। आप अपने किसी भी खास हुनर को निखारेंगे। अब मैं भी बेहतरीन समय से व्यतीत करने में आपको सक्षम रहने वाले हैं। रिश्तेदारों में से सका मित्रों के साथ में फोन अथवा इंटरनेट के माध्यम से मिल मिलाप सुकून देंगे। विद्यार्थी युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करेंगे। आर्थिक दिक्कतें का परेशानी का सामने आएंगे। ध्यान रखिए, क्रोध और आवेश में आकर अपना कोई भी का बना बनाया काम भी खराब कर सकते हैं। धन व्यय करने के लिए उत्तरांत में भी मनुकूल शांति नहीं मिलने वाले हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि से संबंधित कोई भी झंझट खड़ा हो सकते हैं। अपने हिसाब किताब में से पारदर्शिता रखें, और किसी भी प्रॉपर्टी पार्टी के साथ भी डील करते समय उस कार्य को समझ कर जरूरी है। सरकारी कार्य में सफलता मिलेंगी, इसलिए प्रयास रहें। पारिवारिक लोगों के साथ में आपको भरपूर सहयोग भी मिलने वाले हैं। प्रेम संपर्कों में गलतफहमी की वजह से कुछ निराशा का मुंह भी दिखना पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य कुछ नरम रहने वाले हैं। एलर्जी तथा पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें भी कर सकते हैं, और आज के दिन उच्च शिक्षण संबंधी प्रयत्न करने के लिए वालों के लिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही पैसों के लिए आवक बढ़ने के कारण परिवार के खुशहाली और वातावरण बना रहेंगे। व्यापार संबंधी बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी परिवार के सभी व्यक्ति के एक दूसरे के साथ में देंगे और मिलकर बड़ा निर्णय ले पाएंगे। विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अपने काम के संबंधित, अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होंगी। विवाह तय करते समय परिवार के लोगों की अपेक्षा और आपकी अपेक्षाओं में जो दरार है, पहले उसे ठीक करने के लिए आपको कोशिश करने होंगे। बालों संबंधी कुछ समस्या भी आज हो सकती है, और आज के दिन किसी भी कार्य करने से पहले आप सोच विचार कर कार्य करें, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगने वाले हैं। आज के दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहने वाले, वे अपनी क्षमता के प्रतिभा द्वारा कोई भी विशेष मुकाम भी हासिल कर लेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी गंभीर मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकते हैं, जिसका नतीजा सकारात्मक रहने वाले, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि भावना में आकर कोई भी निर्णय ना ले, और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बना के रखें। ज्यादा अनुकूल लगाना उनके आत्मबल में भी कुछ कमी कर सकते हैं। आज परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहने वाले हैं, आपको कुछ लाभदायक अनुबंध भी हासिल हो सकते हैं, परंतु रुपये पैसे संबंधी लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते, लापरवाही की वजह से नुकसान भी हो सकते हैं। वैवाहिक संबंध मधुर रहने वाले हैं, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ हो आएंगे और भावनात्मक नजदीकियां भी बढ़ने वाले। गैस और एसिडिटी की समस्या भी कुछ परेशानी रहने वाले हैं। असंतुलित खान पान की परहेज करने की आपको जरूरी होंगे, और आज के दिन दूसरों की हर बात में दुरुचित करने के लिए अपने मस्ती में रहना आज आपके लिए भी तकलीफ का भी कारण बन सकते हैं। और आज खुद को खुश रखने के लिए आप अपने बर्ताव को दूसरों के लिए दुखी ना कर रहे हैं, तो इसके बारे में जागरूकता रखने की आपको जरूरत होगी।